नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में पिछले महीने 13 सितंबर की रात कुछ अज्ञात लोगों ने घर फोड़ी करके करीब 14 तोला सोना तथा 20 तोला चांदी के गहने लूटने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही बल्लारपुर पुलिस थाने के मुखिया सुनील गाड़ी हरकत में आते ही डीबी पथक को इस घटना के पीछे लगा दिया। चोरी क्या हुआ? सोना चांदी निजी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी कर पैसे उठाकर चोर अपनी अय्याशी में लग रहे, किंतु वह भूल गए थे कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए चोरों पर नजर रखी गई। इस मामले में जांच के दौरान बल्लारपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी गवाहदारों के बयान और गुप्त जानकारी के आधार पर एक नाबालिग बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच के बाद आरोपी सचिन उर्फ बादशाह संतोष नागराडे, 28 वर्षीय सोमनाथ राजूरा निवासी दर्शन तैलंग, 23 वर्षीय मौलाना आजाद बाड निवासी बल्लारपुर विकास अजय शर्मा, 25 कमला नगर बड़सा जिला गढ़चिरौली निवासी को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों ने 130 ग्राम सोने के गहने कीमत 7,83,480 रुपये के चांदी के आभूषण 96 ग्राम जिसकी कीमत 9,600 रुपये और नकदी 27,000 रुपये ऐसा कुल 8,20,000 रुपये 80 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मक्का सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दीपक साखरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुनील गाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक अम्बा दास तोपले, पुलिस उप निरीक्षक हुसैन शाह, ASI गजानन डोईफोड़े, पुलिस हवलदार आनंद परचा के, रणविजय सिंह ठाकुर, सत्यवान कोटना के, संतोष गंडेवार, सुनील कामटकर आदि डीबी पुलिस टीम ने की है। 13 सप्टेंबर 2024 रोजी श्रीमती मालन सातपुते रानार किल्ला वार्ड यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की दिनांक 12 व 13 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीच्या दरम्यान त्यांच्या घरात घरफोडी चोरी होऊन त्यांचे एकूण 139 ग्राम सोन्याचे दागिने, 250 ग्राम चांदीचे दागिने व रोख 2,000 रुपये चोरीस गेलेले आहे। सदरचे घरफोडी गुन्हा दाखल करून घरफोडीचा तपास करत असता पोलिसांना प्रथम एक विधी संघर्षित बालक ची माहिती मिळाल्यावरून त्यास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे विचारपूस केली असता अभिलेखावरील सचिन नगराळे, दर्शन तेलंग आणि विकास शर्मा असे तीन आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडून घरफोडी चोरी गेलेल्या मुद्देमालापैकी जवळपास 130 ग्राम सोन्याचे दागिने, 100 ग्राम चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असं आपण हस्तगत केलेलं आहे। च्या तिन्ही आरोपींना आपण पोलीस कठडी रिमांड घेण्यात आलेली होती व सध्या तपास चालू आहे, उर्वरित जो शोध चालू आहे पैशांचा त्या शोध घेत आहोत। स्किल की देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।